फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जैसे कि आपको पता ही है 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में, 1947 में। इस साल आजादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं। देश को आजाद करवाने में बहुत लोगों का हाथ है, जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, झांसी की रानी। हमेशा 15 अगस्त के दिन परेड भी निकलती है। हर साल 15 अगस्त पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाइफ ले पर ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त के दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। हर साल 15 अगस्त के दिन स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो रहे हैं। तो हमें घर पे बैठे ही 15 अगस्त मनानी है, बाहर नहीं जाना है और सुरक्षित रहना है। आज हम भी घर पे 15 अगस्त बनाएंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे और जश्न बनाएंगे, और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आपको तो पता ही है हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले खनक आएगी, खनक की परफॉर्मेंस आएंगी, सो लेट्स सी। ये थी खन्ना की परफॉर्मेंस। तो अब आएगी हम तीनों की परफॉर्मेंस, मेरी, सिमर की और खन्ना की, जिसमें हम बनेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मैं होंगे भगत सिंह, खन्ना को होगी सुखदेव और सिमर होगी राजगुरु। वो वाला एक्ट करेंगे जिसमें वो फांसी के लिए जा रहे होते हैं। लेट्स बिगिन। आपको हटकरी लगवानी पड़ेगी। नहीं नहीं रहने दो। अब हम गाएंगे एक सॉन्ग।
थी कि हमने कैसे सेलिब्रेट करा ऑनलाइन क्लासेस में। ड्राइंग बाय सिमर। गाइस अब आएगा झांसी की रानी का परफॉर्मेंस। नमस्कार सभी को, आज मैं झांसी की रानी का रोल प्ले करने जा रही हूँ। उनके बचपन से उनकी शादी के बाद उनकी लड़ाई तक मैं आपको रोल प्ले कर दिखाऊंगी। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अश्विन कौल है, मैं कक्षा 7वीं सर की छात्रा हूँ। आज मैं झांसी की रानी का रोल करने जा रही हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। बचपन से ही वो किसी से नहीं डरती थी, सब चीजों का डट के मुकाबला करती थी। डरना तो उन्हें आता ही नहीं था। वीरता का बहुत बड़ा उदाहरण है झांसी की रानी। किसी के सामने उन्हें सर झुकाना नहीं आता था, सबकी इज्जत करती थी, किसी से डरती नहीं थी, सबको डरा देती थी। अर्थी दान त्रिपान कटारी, इन्हीं से तो वो खेलती थी। तलवारबाजी तो कोई उनसे सीखे, सब चीज में माहिर थी। उसके बाद झांसी की रानी की शादी हो गई राजा गंगाधर राव नेवारकर से। सब जगह खुशियां ही खुशियां आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई थी झांसी में। तभी से उनका नाम झांसी की रानी पड़ गया था। कुछ दिन बाद राजा जी की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई और अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया, लड़ाइयां शुरू कर दी। झांसी में फिर खुशियां लाने के लिए रानी उनके साथ लड़ने गई। रानी अपनी ताकत से उन सबसे लड़ रही थी, गिर रही थी, फिर उठकर उनसे लड़ रही थी, पर हिम्मत नहीं हार रही थी वो। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। एक बार और वो उन फिरंगियों से लड़ने गई। खूब लड़ी मर्दानी, जब तक मेरे शरीर पर रक्त की आखिरी बूंद रहेगी मैं गांव की रक्षा करूंगी। हम ऐसे नहीं होने देंगे। आज हमें गांव में फिरंगी देखने के किसकी होगी ये झांसी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और मैं भी तुम्हें झांसी नहीं देने दूंगा। देखते हैं इतनी हिम्मत है तुम्हें तो लड़ो ना अच्छे से। गाइज ये हमारी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।